सम्मानीय सुदेश कुमार महतो जी हम सबों के मंच में उपस्थित है। सुदेश महतो जिंदाबाद। एनडीए के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में वोट को लेकर चंदन क्यारी प्रखंड आजसू पार्टी के कार्यालय में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो प्रत्याशी ढुल्लू महतो, बेरमो के पूर्व विधायक सह चंदन क्यारी विधानसभा प्रभारी बाटुल महतो, पूर्व विधायक उमाकांत रजक मौजूद रहे। इस दौरान आजसू सुप्रीमो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ जीते, बूथ से ही कार्यकर्ताओं की मजबूती एवं मेहनत देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड प्रदेश एवं धनबाद के लिए ऐसा कौन सा विकास कार्य किया है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। कांग्रेस ने केवल झारखंड को लूटने का काम किया है। अभी तत्काल ईडी के द्वारा जांच में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस नौकर के पास से करोड़ों रुपयों की बरामदगी हुई। कहा कि राष्ट्र में सबसे लंबा गठबंधन बीजेपी में आ चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जेएमएम के पास कई संवाद एवं काम नहीं है जो जीतने वाला नहीं, केवल उनके पास एक प्रहार भ्रष्टाचार है, उसी का प्रयोग चुनाव में करेंगे, जिससे एनडीए के कार्यकर्ताओं को रुकने की जरूरत है। वहीं प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा कि जनता की आशीर्वाद लग जाती है तो चंदन क्यारी विधानसभा में कई प्लांट लगाया जाएंगे। इसके अलावा धनबाद लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें बदल देंगे। जनमान समाज चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की खबर। हमारे रजक जी रंग बस्तर देके सम्मान करेंगे। हमारे धर्मों के अंदर रजक जी ने मैं समांतर रूप से दोनों के एक नजर से अपने भाई के रूप में लेके चलने का काम करूंगा। दर्द आपको कभी नहीं लगेगा जिस तरह से हम बाघमारा में लेके चले, कभी भी आपको एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि हम कभी भी किसी तरह का भेदभाव किए। जब मूसा जी या नहीं जाए सीधे रूप में मूसा जी का भी जो बीमारी है हम और मूसा जी हमारी बीमारी है। और मूसा जी को जहाँ पे जाने बोलते तो वहाँ जाते थे। आज डीसी ट्रेन चला, बहुत काम हुआ उनके पीरियड में। मगर बहुत लोग होते हैं जो सीधा सीधी सिर्फ काम करना है, लोगों के बीच में लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं, प्रचार नहीं कर पाते हैं। मगर कुछ लोग देखिएगा, कुछ ऐसे गांव शहर में कुछ लोग होते हैं भाजपा है एक भी किसी तरह का, मूसा जी जहां पे बोले मूसा जी वहां पे काम किया, एम्स में काम करवाया, दिल्ली में ट्रेन के लिए काम करवाया, जहां पे गए वहां पे मूसा जी काम, जहां पे मूसा जी बोले वहां पे गए, अब बोले मूसा जी काम नहीं गए। लोग अपने लोग चर्चा करते हैं, इसलिए हम आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। आज परिस्थिति कुछ और हो चुका है धनबाद लोकसभा का, कुछ ऐसे माफिया तत्व के लोग भी गलत मानसिकता रख रहे हैं कि गांव के लोग चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, देखना है क्या करना है। गरीब का बेटा किसान मजदूर का बेटा बन गया, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि आज गांव से लेकर शहर तक, शहर के हर गरीब शोषित पीड़ित व्यवसाय दुकानदार सभी लोग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आश्वासन दिया है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो बड़ा समस्या है उन समस्या को नहीं करेंगे तो अगला चुनाव हम नहीं करेंगे। धनबाद लोकसभा में वोट मिलेगी। अब इस राज्य की कल्पनाओं को अपने प्रतारण के जीवन से आगे बढ़ाने वालों को यह हक झारखंड की जनता आपको देती नहीं है। आप आएंगे, आपकी जीत क्या कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदेश में बोलने के लिए क्या है भाई साहब? कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश को दिया क्या है? हमारे धनबाद को कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या है? कुछ नहीं, कलंकित किया है। आज उदाहरण बताओ क्या है आलम अनवर, क्या है आलम, क्या हो रहा है? मैं बोले क्या है आलम, पता नहीं मुझे, इस राज्य का आलम क्या है? ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य को संरक्षण में इसके संसाधन का दोहन कर रहे, खोखला बनाने की तैयारी चल रहा है। ये अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करके लोकतंत्र में तुष्टिकरण राजनीति को बड़ा करना चाहते हैं। 55 साल तक एक समुदाय विशेष को तुष्टिकरण का केवल दृष्टि देखकर उस समाज को खड़ा होने का नेतृत्व करने का अवसर से वंचित रहता है, इसी का नाम कांग्रेस है, इसी का नाम कांग्रेस का चरित्र है। अब आप एक जनजातीय
समाज के ऊपर भी डोरा डाले हुए के ऊपर भी, जिसको एनडीए ने भारत के सर्वश्रेष्ठ पद का सम्मान देने का काम किया, आदरणीय राष्ट्रपति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कल्याण मंत्री के रूप में इसी प्रदेश से देने का काम किया है। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया, कम से कम एनडीए ने ये प्रतिष्ठा देने का काम किया। राष्ट्र में सबसे लंबा गठबंधन हमारा है, राष्ट्र में 98 में आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ एक शर्त, कोई चुनाव लड़ने के लिए, कोई एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं, एक शर्त अलग राज्य के लिए। ये संबंध वहाँ से प्रारंभ होता है जो आज तक निश्चय है। इस राज्य को समर्पित हमारी भावनाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। ये सम्मान जब तक बरकरार रहेगा ये रिश्ता बरकरार रहेगा। बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करें, क्योंकि आखिर प्रबंधन, बूथ का बेहतर प्रबंधन ही बड़े अंतर को तैयार करता है। इसलिए बड़े अंतर का नारा जरूर रखें, जरूर एक टारगेट रखें, उस टारगेट को पूरा करने के लिए बूथ में बेहतर प्रबंधन ज़्यादा जरूरी है और उसकी निगरानी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर कोई संवाद से कांग्रेस या जेएमएम जीतने वाला नहीं, कोई संवाद से, कोई बात से, कोई काम से एनडीए को, एनडीए से आगे नहीं जा सकता है। वो केवल एक प्रहार वो कर सकता है, वो भ्रष्टाचार का प्रहार करेगा और उस प्रहार से बूथों को बचाना है। कई तैयार सर, एक तो लाल से क्या अपील करते हैं, दुल्हा से क्या अपील करते हैं, दुल्लू से? हाँ, दुल्लू यहाँ के लोगों का सम्मान और गरिमा दोनों को प्रतिष्ठित रखेंगे, यही मेरी अपील है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे राजनीतिक जीवन का हर हैसियत को इस क्षेत्र में हम लोग मिल के लगाएंगे, यही तैयारी। सर, जयराम हुआ है या आपकी पार्टी के लिए कितना खतरा है?